कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर जवान दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि ठंड के कारण देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं? जी हाँ, इस जगह का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। यह समुद्र तल से 6700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह का दिन का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस और रात में -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम है कि यदि किसी सैनिक की सांस फूल गई तो उसकी जान बचा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसी भयानक परिस्थितियों में क्यों भारतीय सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तैनात किया जाता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच यह तय हुआ था कि कोई भी देश पॉइंट NJN 9842 के आगे के दुर्गम के इलाकों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। उसने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए पर्वतारोहियों को इजाज़त दे दी। इससे भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की साजिश शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए भारत ने भी अपने जवानों को सियाचिन जैसी कठोर परिस्थितियों में रहने की ट्रेनिंग देने के लिए अंटार्कटिका भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन को पाकिस्तान से बचाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर दिया। भारत ये जानता था कि पाकिस्तान 17 अप्रैल से सियाचिन पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है। इसीलिए भारत ने 3 दिन पहले ही कार्रवाई कर पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल कर दिया। तभी से ही सियाचिन पर पाकिस्तान और भारत की सेना आमने सामने तैनात रहती है। दुनिया की सबसे भयानक जगह में भारतीयों का जीवन कैसे गुजरता है, आइए जानते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि हर साल हमारे देश के कई वीर सैनिक की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि कोई भी जवान अपने शरीर का कोई भी अंग अगर बाहर निकाल दे तो वह तुरंत जम जाता है और उसे तुरंत ही काटना पड़ता है। यदि वे इसे ना काटे तो शरीर में हाइपोथर्मिया बढ़ जाता है, जिससे चंद ही सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर पानी पीने के लिए भी भारतीय जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इतना कम तापमान होता है कि पीने का पानी हमेशा बर्फ से जमा रहता है, जिसे पीने के लिए जवानों को कई घंटे उसे उबालना पड़ता है और तभी उसे पीना भी पड़ता है। यहाँ पर जवानों को कई कई महीनों तक नहाने, टूथपेस्ट करने और यहाँ तक कि शेव करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि जैसे ही टूथपेस्ट को इस एटमॉस्फेयर में बाहर निकाला जाता है वह चंद ही सेकंड में बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। यहाँ पर जवानों की स्किन ठंड की वजह से इतनी नाजुक हो जाती है कि जरा सी खरोंच लगते ही वह फट जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है। घाव कई महीनों तक ठंड की वजह से ठीक नहीं हो पाता। इससे साफ होता है कि यह जगह हमारे जवानों के लिए बेरहम, दर्दनाक और किसी काल से कम नहीं है। लेकिन इस स्थिति में भी हर दिन हमारे जवानों को देश की सुरक्षा की खातिर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर जवान एक सीधी रेखा में चलते हैं। वह एक रस्सी के सहारे एक दूसरे से बंधे होते हैं, ताकि यदि कोई जवान पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में धंस जाए तो अन्य जवान उसे दूसरे रस्सी की सहायता से बचा सके। सवाल तो ये है कि आखिर वो किसके लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं? वो हमारे वतन और हम लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं, ताकि हम आराम से रातों में कम्बल ओढ़कर सो सके। मुझे फक्र है इस देश पर और इस देश के हर उस जवान पर जो इस देश और यहाँ के नागरिकों के लिए खुद की जान हथेली पर लेकर चलता है। आई सल्यूट टू माई इंडियन आर्मी एंड आई वॉन्ट टू गिव अ
स्मॉल ट्रिब्यूट फ्रॉम माय साइड। देश के जवान करें इनका सम्मान, करते हैं हमारी रक्षा सुबह और शाम, भूखे रहते प्यासे रहते देश को अपना जीवन देते। वो वहाँ जागते हैं तभी हम यहाँ चैन से सो पाते हैं, वो अपना घर परिवार छोड़ते हैं तभी हम अपने परिवारों के साथ रह पाते हैं। ना भूलना उनका ये बलिदान, देश के हमारे ये वीर जवान। जय हिंद। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके हमारे वीरों का हौसला ज़रूर बढ़ाएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।